ओम शांति। आज 16 जून 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो, ये है साइलेंस का घमंड, ये है साइलेंस का घमंड। साइलेंस का घमंड क्या मतलब? आज तक तुम साइंस का घमंड समझते थे, आज तक हम साइंस का घमंड समझते थे, आज ये क्या हो गया हमारे पास? क्या होता है साइलेंस का घमंड? ये अच्छा है बुरा है? ये घमंड अच्छा है। दुनिया की किसी भी चीज का, नाशवान चीज का अभिमान करना अशुद्ध अभिमान, और आत्मा का अभिमान करना शुद्ध अभिमान। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये शुद्ध अभिमान है, ये स्वमान। बाबा कहते याद रखो, मैं पवित्र आत्मा हूं, ये शुद्ध अभिमान है। परंतु मैं हूं आप पवित्र हो, समझू मैं पवित्र हूं तो मैं हूं पतित, और अपने आप को समझू कि मैं पवित्र हूं तो झूठा हो गया ना। हाँ, क्योंकि मैं हूं पतित, केवल मैं मुंह मियां मिट्ठू बन गया। मुंह मियां मिट्ठू बनना मतलब अपनी झूठी प्रशंसा करना, अपने आप को जो मैं हूं नहीं वो समझना। तो ये है साइलेंस का घमंड। क्या है साइलेंस का घमंड? ये साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, और वो एक धर्म है आत्मा का स्वधर्म शांति। एक राज्य जहां सब एक बाप की श्री मत पर चलते हैं और किसी की मत पर नहीं चलते, तब होता है एक राज्य। जब दो मत होती हैं तो झगड़ा होता है। झगड़ा कब शुरू होता है? जब दो मत होती हैं। एक मत हो तो कोई झगड़ा नहीं। प्रश्न, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है? सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है? और बच्चे अपने आप को श्रापित कैसे करते? दुनिया वाले अपने आप को श्रापित कैसे करते और बाबा के बच्चे बनने पर अपने आप को श्रापित कैसे करते? ये अंतर बताओ। उत्तर, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कहे अपने आप को श्रापित कर, अपने आप को श्रापित कर। कैसे श्रापित करते अपने आप को? तो उससे क्या, अपने आप को क्या श्राप दे दिया उन्होंने? उससे उन्होंने अपने आप को क्या श्राप दिया? हाँ, तो क्या गलती हो गई उससे? कोई उनको दुख मिला? कणकण में तो ठीक है, भगवान सारे कह रहे हैं, पर तो ऐसा कहने से उन्हें कोई श्राप मिलता है? भगवान कोई किसी को, परमात्मा को
सर्वव्यापी कहने के कारण किसको कहें परमात्मा? सारे परमात्माएं किससे प्राप्त करें, क्या प्राप्त करें? कुत्ते में भी परमात्मा, सुअर में भी परमात्मा, गधे में भी परमात्मा, उसमें भी परमात्मा, उसमें भी परमात्मा, अब उनसे ले कहां, क्या लें? और ही भगवान से वो बेमुख। भगवान से क्या मिलेगा ये भी भूल गए। उन्होंने क्या समझ लिया, जाओ पत्थर के पास जाओ और उससे कह के आओ तुम्हें दे देगा, पेड़ को धागा बांध के आओ उससे कह के आओ वो तुम्हें दे देगा। मतलब आस्थाओं को बदल दिया ना, जहां से कुछ मिल नहीं सकता वहां हमने जा करके अपना काम करना शुरू कर दिया। अब हजारों लाखों बांध के आए, दो चार को वहां से प्राप्ति हो गई, वो मिली तो अपने कर्मों के हिसाब से, परंतु उनकी भावना बैठ गई कि वहां जाने से मिल गए। गुरुद्वारे में झाड़ू रख के आ जाओ, आपका यह काम हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि कुछ भी करने के लिए क्यों झाड़ू रखे, बस कह दिया जी आप झाड़ू रख जाओ आपको आपका काम। अब झाड़ू पक्षियों को आप जो दाना डाल दो, भावना अच्छी है पक्षियों के लिए दाना रखना, ताकि किसी का हम जो है ना सेवा सहयोग दे रहे हैं, उनके जीवन में सुविधा उनको मिल रही है, अच्छी बात है ना। बेचारे कहां भटके, गर्मी है, उनके लिए पानी भर के रख दिया आपने, उनका जीवन बचाया आपने, उनको सहयोग दिया, अच्छी बात है ना। परंतु आप ये करेंगे तो ये मिलेगा, भावना बदल दी ना, लालच वश करेंगे। लालच से करना गलत है ना, जबकि उस काम को करने से वो मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके अपने वैसे कर्म किए होंगे ना, अब पक्षियों को मैं दाना डालूं नौकरी मेरी लग जाए, पक्षियों को मैं दाना डालूं मेरी बीमारी ठीक हो जाए, जो है ना लिंक नहीं है वो बात गलत। तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, श्रापित कर। और बच्चे कैसे श्रापित करते हैं अपने आप को, ये तो सर्वव्यापी नहीं कहते, चलो वो तो सर्वव्यापी कहते हैं, आप तो परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं कहते, फिर आप अपने आप को श्रापित कैसे करते हो? बाबा कहे बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित, तो श्रापित हो जाते हैं। माया का थप्पड़ फिर लग जाता है। बाबा कहते हैं हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं बनो। क्या होता है भस्मासुर? अपने को खुद ही भस्म करना। कैसे भस्म किया उसने, अपने आप को कैसे भस्म किया? उसने शक्ति प्राप्त की भक्ति करने के बाद कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, तथा अस्तु मिल गया, और उसने अपने ऊपर ही वो हाथ रख दिया। परंतु अपने ऊपर हाथ रखने से कोई भस्म नहीं होता, अपने साथ धोखा करने से, अपने साथ धोखा किया तो दुख का कारण बन। हाँ जी, हाँ भस्मासुर ने ऐसे मतलब लक्ष्य, हाँ
मतलब नारायण शंकर जी के ऊपर कहा जी आजा मैं तेरे ऊपर हाथ रख के देखता हूँ तो बसम होता है कि नहीं होता। शंकर जी बेचारे भागे भागे विष्णु के पास गए और क्या कहा जाए, विष्णु ने कामनी का रूप धारण किया और डांस करना शुरू कर दिया। अब उसने देखा कोई डांस कर रही है, क्योंकि वो असुर था ना, आसुरी ख्याल थे, और डांस किया तो उसकी तरफ क्या हो गया, वो आकर्षित हो गया। तो अब उस वो डांस कर रही थी तो उसने कहा चल मैं इसके साथ डांस करूं, वो भी उसके पास आ गई और दोनों डांस करना शुरू कर दिया। सोचा कि बस अब तो मेरा काम हो गया है नहीं। तो अब उसने जैसे वो कर रही थी वैसे वो करने लग गया, और उसने भी अपने ऊपर हाथ किया तो उसने भी ऊपर हाथ कर दिया, क्योंकि उसे वशीभूत हो गया ना। तो जिसके कारण काम वश होकर के क्या किया, उसने अपने आप को नाश किया। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी कामनी के प्रति आकर्षित होकर अपना क्या करते हैं, अपने आप को भस्म कर देते। अब ये प्रतीकात्मक कहानी थी, परंतु उनको ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने रख दिया कि भगवान ये जो है ना, हाँ हाँ जी, भगवान के साथ धोखा ये किया कि परमात्मा को जानने के बाद परमात्मा की मत पर नहीं चले, परमात्मा की श्री मत पर नहीं चले। परमात्मा ने कहा कि कोई भी कामना नहीं रखने, क्योंकि इच्छा ही सारे दुख का कारण है, परंतु हमने सांसारिक शारीरिक इच्छाओं को रखकर ही तो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, जितने भी पाप कर्म शुरू होते हैं वो देह समझने के कारण ही, इच्छाओं को पूरा करने के कारण ही होते। चाह ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं, चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म वतन। चंद्रमा की रोशनी ऐसे है जैसे सूक्ष्म वतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत गर्मी हो जाती है, चंद्रमा शीतलता देता है। अब ये लाइट तो इन आंखों के लिए है, ये लाइट किन के लिए है, ये दुनिया वाली जो लाइटें हैं वो इन आंखों के लिए है, आत्मा को भी आंखें हैं, आत्मा को भी क्या है, आंखें। सपने कौन देखता है, हाँ आत्मा देखती है, शरीर तो देख नहीं सकता, शरीर तो कोई सपना देख नहीं सकता। आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती, कौन सी आंखें मिलती हैं, बुद्धि की आंखें मिलती हैं। आत्मा जानती है, बरोबर हम अभी बेहद के बाप को जानते हैं, और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। बहुत गुहे बात ध्यान से समझनी, हम जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि की आत्मा से, आत्मा को भी आंखें हैं, आत्मा की बुद्धि को आंखें मिलती है, आत्मा जानती है उन बुद्धि की आंखों से, दिव्य बुद्धि जिसको कहते हैं, बरोबर अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं। अब हम किसको जानते हैं, बेहद के बाप को भी जानते हैं। कौन सी आंखों से जानते हैं, बुद्धि की आंखों से। जैसे आप यहां बैठे हैं, जिस चीज को आपने देखा हुआ है उसको आप याद करेंगे, वो चीज आपके सामने आ गई। आप अपने पिताजी को याद करेंगे तो पिताजी सामने आ गए, जबकि पिताजी तो है नहीं, परंतु कैसे आए वो आपके सामने, बुद्धि की आंखों से। इन आंखों से हम उन्हें नहीं देख पा रहे, परंतु कौन सी आंखों से देख रहे हैं हम उनको, बुद्धि की आंखों से। वो चित्र हमारे सामने आ गया, उन्होंने जो कहा था वो हमारी बुद्धि में आ गया। हमने अब सुना तो नहीं,
उन्होंने जो कहा था वो हमारी बुद्धि में आ गया कि इस समय पिताजी ने ये कहा था, माताजी ने ये कहा था, गुरुजी ने ये कहा था। तो कौन लेके आया उसको, उस सारी बात को कौन याद करके लाया? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के कानों से हम सुन सकते हैं, बुद्धि की आंखों से हम देख सकते हैं, और हम अपनी तरफ से भी उसको कल्पना भी करके देख सकते हैं। मैं ऐसे कहूंगा तो वो ऐसे कहेंगे, मैं ऐसे करूंगा तो वो ऐसे करेंगे, तो ये भी बुद्धि की आंखों से करना होता है। तो बुद्धि जब जैसे संकल्प कर रही होती है, उसी प्रकार के हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। क्योंकि हार्मोन्स रिलीज करने का आधार कौन है? बुद्धि। क्योंकि वही जो बुद्धि महसूस कर रही होती है, वह हमारे शरीर कर शरीर पर भी फीलिंग बनती है। और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। इन आंखों से हम किसको जानते हैं? जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया है। हम बुद्धि की आंखों से परमात्मा को जानते हैं, अब हम इन आंखों से जानते हैं वही परमात्मा इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ा रहे। तुम बच्चों को पहचान हुई है, ये पहचान तब होती है, कब होती है? जबकि सन्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं, नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। भागीरथ किसको दिखाते हैं? मनुष्य को। और नंदीगण किसको दिखाते हैं? बैल। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो नहीं है, पानी की गंगा तो नहीं है, ये अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है। अब हम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है, सभी वेदों ग्रंथों उपनिषदों आदि का तुम सार समझते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझ रही है। अनपढ़ है और ही पढ़े हुए से तीखे जाते, अनपढ़े आगे पढ़े हुए भरी धोएंगे, अनपढ़े पढ़े हुओं के आगे क्या करेंगे? भरी धोएंगे। नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। क्या लाइन समझ में आई है? अनपढ़े के आगे वो दुनिया की पढ़ाई वाले क्या करेंगे? भरी ढोएंगे। क्यों क्यों ढोएंगे भी अनपढ़े के आगे पढ़े वाले? क्योंकि बाबा ने वो ज्ञान दे दिया जो सब वेदों शास्त्रों का सार है। उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, परंतु उन्होंने सच्चाई को समझ लिया। परमात्मा ने आकर सत्य ज्ञान दे दिया। अब वो अच्छे या वो अच्छे जिन्होंने शास्त्रों का ढेर पढ़ रखा, ढेर सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, वो अच्छे या जिन्होंने सार में सारा कुछ समझ लिया है, परमात्मा से सत्य को जान लिया? कौन अच्छे? वो बच्चे अच्छे जिन्होंने समझा, धारण किया और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। और वो तो नहीं आएंगे, वो अनपढ़े के आगे, जो दुनिया की रीति से अनपढ़े हैं, उन अनपढ़ों के आगे पढ़े लिखे आकर मजदूरी करें, वह बोझा ढोएं। नहीं तो नियम यह होता है कि अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते, पढ़े लिखे आराम वाले काम करते हैं और अनपढ़े मजदूरों वाला मेहनत वाला काम करते। यहां ये वंडर है ना, कुछ नहीं पढ़े हुए
सब वेद शास्त्र धर्म भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वे बैठ पुनों को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वो समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है, जैसे कोई पहाड़ी है, कहां से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं। परमात्मा कहते मैं कोई शिमला की पहाड़ी नहीं, जो इधर से चढ़ेंगे तो वहां पहुंचेंगे, उधर से चढ़ेंगे तो वहीं पहुंचेंगे। ऐसा तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परम पिता परम आत्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भीष्म पितामह को ज्ञान बाण मारने का कारण कि जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा समझते हैं, ज्ञानी विद्वान समझते हैं, उनको जब आप ज्ञान की बातें सुनाते हो तो वो भी घायल हो जाते हैं। उनको भी समझ में आ जाता है, वो उस दुनिया से मरकर बाबा के बच्चे बन जाते। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना, बड़े बड़े पंडित सरनेम, बड़े बड़े पंडित सरनेम अपने साथ सरस्वती रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर सभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है, क्योंकि वो उल्टी सीढ़ी नहीं चले, पवित्र है, पतित बने नहीं है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से, आत्मा का योग है बाप से। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है, तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वे तीर्थ आदि नहीं करती, क्योंकि है ही पवित्र, है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काट, मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना, गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं, वहां देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली, कुछ ना कुछ गऊ मुख आदि बनाकर रखते हैं तो बाप बैठ समझ जाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वे बाप भी है, सतगुरु भी है, मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, खाली पांव रख देते। शिव बाबा के तो अपने पैर हैं नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं। जो कोई चरणों की धूल बने, उनके चरणों की धूल बने। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना, उसमें जाओ भगवान के चरण पकड़ लो, बस तुम्हारे काम। मैं इन सब कलयुगी रसम रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूं। मेरे चरण है नहीं, शिव बाबा को तो
शरीर है नहीं, ये तो ब्रह्मा का तन है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। शिव बाबा की पूजा इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है, भक्ति मार्ग में शिव हम कहने वालों पर फूल चढ़ाते हैं। जो कहते हैं शिव हम ही शिव है, प्रकाशपुरी बाबा भी, मैं शिव का अवतार हूं, अहम शिव हम, दुनिया जाती है और वहां जाके उसकी आरती करते हैं। आरती भी लिखी हुई है वहां बाहर, तो कैसे बोलनी, क्या क्या बोलना। ये है सब भक्ति मार्ग की रसम रिवाज। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को लिंग की पूजा, कुछ शास्त्र पुराणों में ये गपोर कहानी लिख दी है कि स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वे नहीं जानते वे कौन है, परंतु वे कौन है ये भी समझते। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है ही नहीं, जैसा उन्होंने शिवलिंग बना के रख दिया, ऐसा कोई लिंग तो परमात्मा है ही नहीं। वे तो स्टार है, वे तो स्टार है, उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते। शिव माना ही परम पिता, परम आत्मा, कल्याणकारी, वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, वही 84 जन्म लेकर क्या बने हैं, पतित बने हैं। तो सब पतित हो गए, सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए हैं, सब का कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं, पहले आने से ही पतित नहीं होते, पहले तो पावन होते। ये बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे वा सालिग्रामो, ए सालिग्रामो सुनते हो बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं। और कोई तो कह ना सके, कोई भी सन्यासी आदि कह ना सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा, ऐसे कोई बोल ही ना सके। कई बाबा बाबा कहकर फिर भी भस्मासुर बन गया, माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना, काम अग्नि है ना, बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं, समझाते हैं मीठी मीठी बच्ची तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी आए, वहां तुम जब परम धाम में रहते हो वहां अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता, बिना शरीर के कोई संकल्प विकल्प। फिर पार्ट में आते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है, अभी तुम्हारी प्रलब्ध खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी, ये संस्कार तुम्हारे यहां ही प्राय लोप हो जाते हैं, ये ज्ञान वहां नहीं रहेगा, ये ज्ञान वहां नहीं रहेगा। ज
जब तक यहां हो तो ज्ञान है। समझा? कोई यहां से संस्कार ले जाते हैं, वे फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। लड़ाई वालों का मिसाल उनमें थोड़ा बड़ा होने से, ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को यहां आना होगा तो संस्कार जो लाते हैं वो उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कार वाले छोटे बच्चे भी यहां आते हैं, फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहां के संस्कार खत्म हो जाते हैं। इस दुनिया के संस्कार क्या होते हैं? फिर राजधानी के संस्कार, सतयुग के स्वर्ग के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। ये संस्कार मर्ज हो जाते, कई बच्चों को बहुत लव रहता है तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने कारण, बोल नहीं सकते। बड़ा होने से संस्कार फिर जागृत हो जाते हैं। बाप कितनी बातें समझाते, परमपिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वे है ही स्वर्ग का रचता, नरक का रचता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे, काल तो पहले ही लिया था, इस समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते, ये सिर्फ तुम कह सकते हो, ये है बिल्कुल नई बात। ये क्या है? बिल्कुल नई बातें हैं। तुम समझते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग का की राजाई का वर्षा मिलता है, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? तुम तो आप पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिमान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो, यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते, एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या एक सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे? एक सेकंड में आत्मा यहां से लंदन, अमेरिका आदि में जाए जन्म लेती है। एक सेकंड के अंदर आत्मा यहां से निकली और जा करके चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो, पूरे विश्व के अंदर जन्म लेती है। एक सेकंड में गर्भ में प्रवेश करना माना जन्म, आत्मा का गर्भ में प्रवेश करना माना जन्म। फ्लाइंग स्क्वाइड है, कितना छोटा स्टार, पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए? चौरासी जन्मों में जरूर आना है जो बिल्कुल ही पास में रहते, जो बिल्कुल ही पतित बन गए, शूद्र बुद्धि बन गए, वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएंगे। अभी तुम क्या बने हो? मास्टर ज्ञान सागर।
जो बाप में गुण वो तुम धारण करते हो, तुम भी कहते हो मन मना भव मध्याची भव। तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चे को ताज नहीं होता, वे प्रिंस ही दिखते हैं। माताएं साक्षात्कार कराती हैं, देखती हैं, हम जाकर महारानी बनेंगे। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि अभी हमारी आत्मा पतित है। मैं कारपेंटर हूं, मैं गरीब हूं, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम क्या बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूं तो शरीर भी ऐसे पतित है, खाद पड़ी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते, विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूं, शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं, किसी दूसरे शरीर में किसी की आत्मा को बुलाते हैं। शरीर को क्यों नहीं बुलाते, खिलाते भी आत्मा को है। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी, ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है, किसके स्त्री में, किसको स्त्री में प्यार होता है, प्यार होता है तो जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दें। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो नहीं है, तो आत्मा ना, शरीर तो नहीं। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं, वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। ये सब ड्रामा में नहीं, ये भी एक खेल है। आत्मा नहीं आती है, वो समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूं। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं, ये रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल के पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने का बहुत ऊंचा, सॉरी, ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, परंतु वो है कुख वैशाली और तुम हो मुख वैशाली। जो अव्यक्त रूप में हुए वो है संकल्प वैशाली। तुम्हारी बहुत महिमा है, तुम अब समझ गए हो। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं, स्किल की नहीं है ये बातें, और कोई को समझ में मुश्किल आती हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूं, अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर
कर्मातीत अवस्था होगी, 8 पास विद आनर होते हैं। कितने पास विद आनर होंगे? 8 पास विद आनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो क्या होगा? मिलिट्री में मरेंगे तो क्या होगा? उनका पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कर्मातीत बनने की रेस। क्या बनने की रेस है? कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते हैं? रुद्रमाला में जाते, जो अच्छी रीति योग लगाते हैं तो कहां चले जाते हैं? रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध, मम्मा बाबा तो क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। फिर है नंबर वार, पास विद आनर को फुल मार्क्स मिलते हैं। जो पास विद आनर होते हैं उनको क्या मिलते हैं? फुल मार्क्स मिलते हैं। वो सजा आदि कुछ नहीं खाते, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। उनको बहुत मान है, हमेशा नौ रत्न निकालते हैं। हमेशा क्या करते हैं? नौ रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं, 4 की जोड़ी हो जाती है। क्या समझ में आया? मतलब 4 युगल, 4 की जोड़ी माना 4 युगल, और बाकी बीच में कौन होगा जिसकी कोई युगल ना हो? शिव बाबा होगा। बाप वे लोग तो अर्थ को नहीं समझते, जिसने जो राय दी वो बना देते हैं। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं, बाल निकालते हैं, शरीर के एक एक बाल को निकालते हैं। ये तो हिंसा हो गई। वे सन्यास तो दुख देने वाला है, तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुमको तो टेम्पटेशन लालच देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते। क्या कराते हैं? सन्यास कराते हैं। ये नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में, ये ज्ञान सिवाय तुम्हारे और किसी के पास। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे, बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहें तो उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसमें 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1, कर्मातीत बनने की रेस करनी। कर्मातीत बनने की क्या करनी है? रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। नंबर 2, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके क्या करना है? स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। वरदान, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी आत्मा भाव। इच्छा मात्र अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं हमें। इस स्थिति में जब पहुंचेंगे तब आप क्या बनते हैं? मास्टर दाता। क्योंकि यदि मुझे कुछ चाहिए तब तक मैं किसी को दे नहीं सकता। जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान है
उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सब प्राप्तियां हो जाती हैं, तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगना पूरा हो जाता है ही नहीं, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता है जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। स्लोगन, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।